Good morning, student. I am Prabha Suni, your English teacher. How are you, children? I hope you are all fine. Children, this is your revision video. So let's start our revision. आज हम chapter 6, एक question, जो एक छोटा सा poem है जिसे हमने class में read किया था ना, उस chapter के exercise को हम यहाँ revise करेंगे. Okay? So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर. क्या आपका क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर. आपको मालूम है इसमें हम कैसे करते हैं, है ना. इसमें आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, उसके 3 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से जो राइट ऑप्शन होता है उस पर हम टिक मार्क करते हैं, है ना. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वॉट इज द कलर ऑफ काउज मिल्क. वॉट इज द कलर ऑफ काउ मिल्क. जो काउ का मिल्क होता है वो कौन से कलर का आता है. ऑप्शन आपके पास क्या क्या है, वाइट, येलो और ग्रीन. तो काउ का मिल्क कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का. तो आप वाइट के जस्ट सामने आप टिक मार्क कर दीजिए. ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास. अब ग्रास का कलर कौन सा होता है, ग्रास मीन्स घास. घास कौन से कलर की होती है, ग्रास, ग्रीन, वाइट, येलो. तो आपका राइट आंसर क्या है, ग्रीन. ग्रीन कलर की होती है ना, तो इसके सामने हम टिक मार्क कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द ग्रास वेयर वाइट द मिल्क वुड बी ग्रीन. यदि अगर जो ग्रास है वाइट कलर की हो तो मिल्क ग्रीन कलर का होगा, नो, है ना. तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, इसलिए आप इसे आप क्या लिखेंगे, फॉल्स. ओके, नाउ रिपीट अगेन. व्हाट इज द कलर ऑफ काउज मिल्क, वाइट. व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, ग्रीन. इफ द ग्रास वेयर वाइट द मिल्क वुड बी ग्रीन, फॉल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन दी ब्लैंक्स. आपको फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करना है. द मिल्क ऑफ डैश इज वाइट. किसका मिल्क वाइट कलर का होता है, काउ का, है ना. इस चैप्टर में हमने काउ के बारे में रीड किया है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सी ओ डब्ल्यू, काउ. ओके, नेक्स्ट इज डैश, सॉरी, द डैश इज ग्रीन. ग्रीन कलर का क्या होता है, ग्रास. तो ग्रास लिखेंगे सेकेंड नंबर में, जी आर ए डबल एस, ग्रास. थर्ड, द काउ इट्स. अब काउ क्या खाती है, काउ भी ग्रास खाती है, है ना. तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, ग्रास, जी आर ए डबल एस, ग्रास. तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में हमने क्या फिल किया, द मिल्क ऑफ काउ इज वाइट, द ग्रास इज ग्रीन एंड द काउ इट्स ग्रास. ओके, इसका हमने क्लास में अपना रिवीजन कर लिया था, है ना. एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेक करेक्ट सेंटेंसेस. यहाँ पर जो सेंटेंस लिखे हैं वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है. इन सेंटेंस को आपको करेक्ट ऑर्डर में राइट करके एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है. जैसे फर्स्ट है, नेहा इज दिस. नेहा इज दिस, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, टी एच आई एस, दिस, आई एस इज, एन ई एच ए, नेहा, फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है. नेम हमने कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि ये नेम है. अगर किसी सेंटेंस के बीच में अगर किसी का नेम आता है तो उसे हम कैपिटल लेटर में ही राइट करते हैं. ओके, नेक्स्ट है आपका, दिस हरी इज. तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस इज हरी, एंड लास्ट में फुल स्टॉप, दिस इज हरी. नेक्स्ट इज She, her is in room. इसको करेक्ट ऑर्डर में राइट करते हैं, She, S H E, she, I S is, I N in, H E R, her, R double O M, room. She is in her room. And last में full stop. Okay? Next है, here come Zoya. Here come Zoya. तो क्या हो जाएगा, Zoya come here, and last में full stop.
संडे टुडे इज इट. करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाए इसका? इट इज संडे, एस यू एन डी ए वाई संडे, टुडे टी ओ डी ए वाई टुडे, एंड लास्ट में फुल स्टॉप. इट इज संडे टुडे. नेक्स्ट है द मंकी बनाना ए हैज. तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द टी एच ई द एम ओ एन के ई वाई मंकी एच ए एस हैज ए बी ए एन ए एन ए बनाना एंड लास्ट में फुल स्टॉप. द मंकी हैज ए बनाना. द मंकी हैज अ बनाना. नेक्स्ट है आपका गुवावा इज ए दिस. इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? टी एच आई एस दिस आई एस इज ए गुवावा जी यू ए वी ए एंड लास्ट फुल स्टॉप. दिस इज अ गुवावा. ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में राइट करना है और एक सेंटेंस बनाना है. ठीक, एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड डज नॉट गो विद द ग्रुप, या फिर इसको हम कह सकते हैं इन सर्कल द ऑड वन, है ना. यानी जो इस वर्ड जो ये सारे वर्ड्स लिखे हो, जैसे फर्स्ट में हैंड नोज वॉक और टेथ, इसमें से जो वर्ड इस ग्रुप के साथ नहीं जाता उसको आपको क्या करना है, राइट करना है. मीन्स इसमें जो सबसे डिफरेंट है, जैसे हैंड नोज वॉक, ये क्या है, रिलेटेड है हमारे बॉडी पार्ट से, है ना. वॉक भी हम चल रहे हैं इससे, हैंड नोज और टेथ ये हमारे बॉडी पार्ट्स हो गए, लेकिन वॉक क्या है, डिफरेंट वर्ड है, है ना. इसलिए हमने यहाँ पास क्या लिखा है, वॉक डब्ल्यू ए एल के वॉक, जो डिफरेंट वर्ड होगा उसको आपको राइट करना है. ठीक, नेक्स्ट है राइट स्टिक टॉल फैट. तो स्टिक, स्टिक सबसे डिफरेंट है, एस टी आई सी के स्टिक, यहाँ पास हम स्टिक लिख देंगे. टी मिल्क ट्री कॉफी, इसमें डिफरेंट क्या है, ट्री टी आर डबल ई ट्री. एंड लास्ट में क्या है आपका, बॉय गर्ल मैन और हनी. तो हनी क्या है, सबसे डिफरेंट वर्ड है, एच ओ एन ई वाई हनी, यानी ऑड वर्ड है जो से इस ग्रुप्स के साथ नहीं जाते, इससे रिलेटेड नहीं है. ओके, तो फर्स्ट में हमने वॉक लिखा, सेकेंड में स्टे, थर्ड पे ट्री एंड फोर्थ पे हनी. ओके, इस तरह से आज हमने चैप्टर सिक्स एक क्वेश्चन जो पोएम है काऊ के बारे में, उसको उसके जो सारे एक्सरसाइज है हमने यहाँ पर रिवाइज किए, आपको भी रिवाइज करना है. ओके, और इसे लर्न भी करना है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.